कर सकते हो और पानी जितना पियो सुबह उतना अच्छा है और प्रेशर भी बन जाता है, तो कुल मिला के बहुत बढ़िया। हमसे मुसाफिर यूं तो कहीं, जैसा कि कल हमारे श्री राम जी विराजमान होने वाले हैं, तो हाइट के नुकसान होते हुए हमारे से सफाई करवाई जाएगी। सर अपनी राड जिंदाबाद। ओके ऑल साइड, ब्रेकफास्ट टाइम, उसके बाद निकलते हैं जिम। तो अभी चलते फटाफट मिठाई लेने चलते हैं और मंदिर जाके माथा टेक के आते हैं, क्योंकि आज है 22। वैसे मैंने 21 को स्टार्ट कर दी थी अपनी डेली रूटीन की वीडियो शूट करनी, बट हो नहीं पाई। तो आज बाकी क्या करेंगे, बालों को इग्नोर करना, क्योंकि नहाते ही मैं सीधा निकल रहा हूँ। और ये हमारी आउटफिट है भगवान, कुर्ता में डेली पाया इसलिए मैंने शर्ट डाल ली, तो ये भी ठीक लगी। बाकी जय श्री राम सबको। अयोध्या मंदिर नहीं जा पाए, घर के पास वाले तो जा सकते हो। जय श्री राम। देखो भाई पूरी मार्केट राममय हो गई है, जहाँ देखो झंडे ही झंडे। सामान लेके आ गए, मंदिर होके आ गए, अब घर चलते हैं और घर के आगे की प्रक्रिया आपको दिखाते हैं कि हम क्या करते हैं पूरे दिन में। आप ही जानने में दिलचस्प हो ना, आपको यही दिखाई। दो बज चुके हैं और जिम जाने का टाइम हो गया। वैसे तो मैं 1:30 बजे जाता हूँ, लेकिन आज पूरे दिन मंदिर घर ऐसे में था, तो आज 2 बज गए। अभी जल्दी शेक वेक पीते हैं अपना, उसके बाद निकलते हैं जिम में दिखाते हैं आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज हम करते हैं, क्योंकि डेली रूटीन है तो डेली रूटीन में सब दिखाना पड़ेगा। तो बड़ा शेक पी के निकलते हैं, ठीक है, जिम में मिलेंगे। वर्कआउट कंप्लीट। अबे यार रोशनी नहीं आ रही, अभी भी नहीं आ रही। हाँ तो आज हमारे शोल्डर कैसे दिखाऊं तुम लोग को, भाड़ में जाए, ठीक है भाई, जूम आउट। तो वर्कआउट हो चुका है कंप्लीट, आज हमारे शोल्डर दबा के और टाइम हो रहा है 4:15। तो जब भी मैं वर्कआउट करता हूँ, चाहे मैं 1 बजे आऊँ या 2 बजे आऊँ, पता नहीं चलता कब टाइम निकल जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो जिस चीज़ में तुम्हारी लगन है ना, वो चीज़ अगर तुम कर रहे हो तो पता नहीं चलता कब टाइम निकल जाए, क्योंकि तुम्हारी मनपसंद यार है। तो वर्कआउट मारा आज दबा के, टूला भी फूल रहा है। ये सत्यार दिखाना अपना डेली रूटीन पर, क्योंकि तुम लोग बहुत दिन से डेली रूटीन ला चुका हूँ मैं। और यस जय हो। घर घर में बस एक ही नाम, एक ही नारा। और सामग्री हम ले चुके थे सुबह, जब फूल लेने और मंदिर गए थे तभी फिर हम ले गए थे सामग्री हमारी 2:30 बजे। तो सीधा हम घर चलते हैं, आपको सुन लेना, सीधा घर चल के दिखाते हैं आपको शाम से रात तक का हम क्या कार्य करते हैं, हमारी दिनचर्या, ठीक है, बने रहिए। और वीडियो को प्रेम दीजिएगा, अपने फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ साझा करिएगा। जय हो। बस ग्लो आ रहा है चेहरे पे, यही तो होता है अगर तुम सर्दी में ही पसीना बहा रहे हो। गर्मी में तो बहता ही है, बैठे रहो चाहे एक जगह, पर सर्दी में भी पसीना बहा रहे हो तो देखो ग्लो। कहते हो ना भाई स्किन कैसे, देख लो भाई। तब आगे और पानी पियो, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, पानी जरूर पीना होता है। पानी तो यार 75% ऑफ योर बॉडी इज वाटर, बी हाइड्रेटेड एंड पानी पियो दबा के। बाकी चलते हैं। मैं दर्द हो रहा है क्योंकि 2-3 दिन से मैं गैप दे रखा था मैंने जिम को, क्योंकि मैं जा नहीं पा रहा था, मैं नहीं जा पा रहा था, तो मैं जा नहीं पा रहा था, मैं ही नहीं जा पा रहा था, ठीक है।
बाकी ये शूज़ लिए थे मैंने अभी नहीं, बहुत टाइम पहले, लेकिन मैं निकाले नहीं थे, कहीं पता नहीं कौन सी गुफा में घुसे हुए थे, तो सफाई करी घर की तो निकले, जब एकदम न्यू है सोल भी एकदम न्यू है इसका। तो भाई आ चुके हैं अपन घर, ऊपर चल के आगे की कार्रवाई आपको दिखाते हैं क्या होता है। लाइट जलाओ भाई। जय श्री राम। तो जी घर पहुंच चुके हैं, ऊपर चलते हैं, आगे कार्रवाई आपको दिखाते हैं क्या होता है क्या नहीं। ऐसे कर नहीं, ऐसे करते हैं, ऐसे कर नहीं, ऐसे दूध भूल गए थे तो दूध ले आया, कहीं पता चले शेक बन गया, मेन चीज रह गई। मैंने प्रोटीन के डब्बे में ओट्स डाल रखे हैं। स्कैम चल रही है, पीनट बटर की भी आखिरी सांस चल रही है, तो दूसरा डब्बा लाएंगे। लास्ट स्पून ऑफ पीनट बटर, ये क्या है भाई, अपन ऐसे ही खा लें। अभी आ इसको गर्म कर लिया। ओके सो ये थी रेसिपी शेक बनाने की, मैंने रेसिपी आपको बता दी, सामग्री नहीं बताई, वो आप खुद डाल लेना अपनी, ठीक है। अब मिलते हैं अगले पड़ाव में। दूध भी उबल गया, और सबसे मैं ये कहना चाहूँगा, कितने बज गए, 5 बज गए होंगे, 4:42 पे वहाँ से निकला था, 8 मिनट में घर पहुँच गया, 50 तब भी 50 हुए, 5 बज गए, एक सेकंड में देख ही लेता, 4:57 5 ही मान। और ऐसा करते हैं कि जो और ऐसा करते हैं, जैसे कि मैंने बोला था कि Q&A अगर मैं करूँगा तो मैं बता दूँगा कहाँ पे तुम्हारे क्वेश्चंस उठाऊँगा मैं, तो इसी डेली रूटीन के कमेंट सेक्शन में तुम अपने क्वेश्चन डाल दो, तो यहाँ से मैं उठा के Q&A वीडियो में डालूँगा मैं, तो जितने भी तुम्हारे क्वेश्चन हैं रिगार्डिंग Q&A जो पूछना चाहते हो, वो सभी इसी Q&A के कमेंट डेली रूटीन के कमेंट सेक्शन में डाल दो, तो सारे मैं यहीं से उठाने वाला हूँ, भर भर के कमेंट कर देना, 1000 से तो ऊपर हो ही जाएंगे, क्योंकि तुम बहुत कुछ पूछने वाले हो, तो कमेंट कर देना फटाफट, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लो फटाफट, और डेली रूटीन पे प्यार दिखाना, देख लो प्यार दिखाना, ठीक है। दिवाली से डबल दिए लाया हूँ मैं, छोटे लाया हूँ कम से कम 12 और बड़े लाया हूँ 20, तो ये 12 तो लगेंगे बैल्कनी की रेलिंग पे एकदम लगातार ऐसे, और ये लगेंगे चौखट पे, किचन में और पूरे घर में, ठीक है। ये लगाए थे मैंने बैल्कनी में 2 जगह, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, हवा का एकदम नामोनिशान नहीं है इसलिए हिल भी नहीं रहे, जब हवा आएगी तो लहरेंगे।
तो बारी आ चुकी है इनमें, पानी में तो डाल के मैंने रख दिए थे, अब बारी है इनमें रुई डालनी, जो कि एक बड़ा टास्क है जो कि मुझे ही करना है। ये रही हमारी रुई, ये रहे इतने सारे दिए, छोटे एरे, बड़े एरे, तेल बोरा। तो अब आप देखिए कैसे मैं फुर्ती में इसे निपटा देता हूँ। पूरा हो चुका है, जैसा कि आपने टाइम लैप्स देखा, टाइम लैप में तो बड़ा जल्दी हो गया, लेकिन हमें ही पता है कितनी देर में हुआ है। फटाफट इसमें डालते हैं तेल और उसके बाद जो है सजावट शुरू। सो अभी खाना खा के उठा बज रहे भी, और तुम लोगों को टाइम भी बताना पड़ता है 10:44। पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, नहीं भी आया तो करना ही पड़ेगा, जो पूछना है पूछो कमेंट सेक्शन में। 1000 से ऊपर मेरे को लग रहा है हो जाएंगे, ठीक है दबा के पूछो। घर में बच्चे होना दो तरीके से अच्छा भी है तो बुरा भी है, ना तो ये कुछ करने देते, अगर इन कुछ दूध उधर के चले जाए तो हिंडा देंगे, ये चुन्नू से घूमते रहते हैं। तो जो उधर पूछना मैं निकलता हूँ, पटाखे फूट रहे, फुल माहौल बन रखा है। जय श्री राम, दोबारा से लव यू। जय श्री राम, जय सनातन धर्म।